और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश से, यूपी में अवैध मदरसों के सर्वे कराने का जो फॉर्मेट है वो तैयार कर लिया गया है। 12 बिंदुओं पर अफसर जुटाएंगे जानकारी। एसडीएम, बीएसए और इसी के साथ डीएमओ लगातार सर्वे कर रहे हैं। लेखपालों से भी सर्वे कराई जाएगी, उनकी मदद ली जाएगी। देवबंद, अलीगढ़, बहराइच में अवैध मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। तो देखिए, सर्वे कराने की बात लगातार यूपी में कही जा रही थी। जो अवैध मदरसे है, अब इसके लिए फॉर्मेट भी तैयार हो चुका है। 12 बिंदुओं पर अफसर जो है वो जानकारी जुटाएंगे। वो 12 बिंदु तैयार हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे सर्वे के दौरान एसडीएम, बीएसए, डीएमओ उनकी मदद करेंगे। लेखपालों की भी मदद ली जाएगी सर्वे के दौरान। और जो जगह के नाम है, देवबंद, अलीगढ़, बहराइच में अवैध मदरसों पर सर्वे शुरू हो चुका है। यहाँ लगातार करीबन 1600 ऐसे मदरसे हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, ये 12 बिंदु है जिनका जिक्र किया जा रहा है, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिन पर ये सारे काम किए जाएंगे, ऐसे कौन कौन से बिंदु है? बिल्कुल, देखिए सर्वे आज से शुरू हो चुका है। सबसे पहले मदरसे का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है, इसके अलावा वो कब स्थापित हुई है, साथ ही मदरसे की अवस्थिति संपूर्ण विवरण, निजी है या किराए के मकान पे चलता है ये मदरसा, इसका विवरण जानना है। फिर इसके अलावा मदरसे का जो भवन है वो छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, भवन, पेयजल, फर्नीचर, इसकी व्यवस्था है कि नहीं है, साथ ही बाल संरक्षण आयोग के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मदरसे में जितने छात्र पढ़ते हैं उनकी जो संख्या है उसके बारे में भी इस सर्वे में पूछा जाएगा, साथ ही शिक्षकों की संख्या वो कितनी है, इसके अलावा मदरसे में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो कौन कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दीनी तालीम पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा मदरसों की जो फंडिंग होती है, जो आय का स्रोत है वो कौन सा स्रोत है इसके लिए, इसके अलावा जो मदरसे के छात्र हैं वो क्या किसी और विद्यालय में भी नामित है, क्योंकि देखिए मदरसों को सरकार जो है अलग से तमाम सुविधाएं देती है, उस सुविधाओं को लेकर ये कि उनका मदरसे में भी नामांकन है या और तुषार ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि देवबंद, अलीगढ़, बहराइच ये वो जगह है जहां पर मदरसों में जो अवैध मदरसे हैं वहां पे सर्वे शुरू हो चुका है। ऐसे में लगातार जो मुस्लिम है उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर ये सर्वे होगा इसके खिलाफ, तो अब उनकी तरफ से आप क्या देख रहे हैं, क्या वो प्लानिंग जो की जा रही थी वो आगे तैयार हो चुके हैं? देखिए सुनिका, सबसे पहले मैं बताऊं तो जो मदरसे हैं वो अवैध मदरसों का ही केवल सर्वे नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे है, और सर्वे के बाद ये तय होगा कि वैध हैं या अवैध हैं। अगर गैर मान्यता प्राप्त हैं और वो नियम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं तो उनको मान्यता दी जाएगी, और अगर वो अवैध है तो फिर उस पर कहीं ना कहीं बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा सकती है, जो सरकार की कार्रवाई है वो की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जहां तक बात है कि मुसलमानों के सड़क पर उतरने को लेकर, तो ये सिर्फ अभी तक बयानबाजी है, जो राजनेता है वो सिर्फ बयानबाजी दे रहे हैं क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकानी है। दूसरी तरफ जो आम मुसलमान है उनको इन सब चीजों से कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है।